दोस्तों अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिनेश कार्तिक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दीवाने हुए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और उनकी बल्लेबाजी को देख कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने दिनेश कार्तिक के बारे में ऐसा क्या बयान दिया है, ये तो हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि दिनेश कार्तिक और एबी डिविलियर्स और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों चौथे टी20 मुकाबले में सीरीज को बराबरी पर पहुंचाने के लिए एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ से टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया और एक बार फिर से टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 169 रन 6 विकेट के नुकसान पे बना दिए, जिसमें भारतीय टीम की शुरुआत तो बहुत ही ज्यादा बेकार हुई, जिसमें पावर प्ले में 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बना दिए थे। लेकिन धीरे धीरे 81 रन पर 4 विकेट भारतीय टीम के गिर जाने के बाद हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने मोर्चा संभाला, लेकिन 15 ओवर में 96 रन बनाने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, जिसमें हार्दिक पांड्या 31 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 46 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं दिनेश कार्तिक ने 26 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाए। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने बेहतर बल्लेबाजी नहीं की और गेंदबाजों ने फायदा उठाते हुए आवेश खान ने सर्वाधिक 4 विकेट लेकर भारतीय टीम को जीत दिलाई, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम 16.5 ओवर में 87 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने ये मुकाबला 82 रन से जीत लिया और सीरीज में 2-2 से बराबरी पर टीम इंडिया आ गई है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का बयान दिनेश कार्तिक को लेकर सामने आया, जिसमें रिकी पोंटिंग ने कहा कि भारतीय टीम की जीत के हकदार दिनेश कार्तिक ने, क्योंकि जिस तरीके से दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करी है उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके दिखा दिया कि क्रिकेट में उम्र सिर्फ एक नंबर है और जिस तरीके से वो अपनी टीम को जीत दिला रहे हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और अगर ये खिलाड़ी इसी तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को लगातार जीत दिलाता है तो भारतीय टीम के लिए ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से होगा। तो वहीं स्टीव स्मिथ ने कहा कि भारतीय टीम के लिए इस समय सबसे बड़ा नाम कोई सामने आ रहा है तो वो दिनेश कार्तिक है और उसकी वजह दिनेश कार्तिक की शानदार बल्लेबाजी है, क्योंकि दिनेश कार्तिक जिस तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को अपने अकेले के प्रदर्शन से जीत दिला रहे हैं उसकी जितनी ज्यादा तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि उनके द्वारा प्रत्येक मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जब जब ये रन बनाते हैं तो भारतीय टीम को जीत अवश्य मिलती है। और एक बार फिर भारतीय टीम दिनेश कार्तिक के शानदार प्रदर्शन के कारण जीती है और महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी के रूप में दिनेश कार्तिक एक विकल्प है। तो वहीं डेविड वॉर्नर ने कहा कि भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी दिनेश कार्तिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक भारतीय टीम के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके लगातार शानदार प्रदर्शन करने से भारतीय टीम को बहुत ही ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब भारतीय टीम के लिए तेज तर्रार बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों की संख्या बहुत ही ज्यादा हो गई है, जिसका फायदा भारतीय टीम को आने वाले ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वर्ल्ड कप के लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर गेंदबाजों को बेहतर मदद मिलेगी लेकिन बल्लेबाज अगर अपने आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो जीत अवश्य होगी और भारतीय टीम दोनों ही विभागों में जोरदार प्रदर्शन करेगा जिसकी उनको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दिनेश कार्तिक वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।